नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया ने दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना के साथ अपनी शादी को दर्दनाक बताया था। उन्होंने कहा था कि वह यह समझने के लिए बहुत छोटी थी कि उनके साथ क्या हो रहा था। महज 15 साल की उम्र में डिंपल ने राजेश खन्ना से शादी कर ली थी। शादी के बाद वे दोनों दो बेटियों के पेरेंट्स बने। हालांकि ये शादी लंबे समय तक नहीं टिकी और बिना तलाक लिए दोनों अलग अलग रहने लगे। 1994 के प्रीतिश नंदी के साथ एक इंटरव्यू में डिंपल ने राजेश खन्ना के साथ अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने ये भी बताया था कि उनका रिश्ता लंबा क्यों नहीं चल सका। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत अलग तरह के लोग थे। मैं शायद ये समझने के लिए बहुत छोटी थी उनके साथ क्या हो रहा था जो एक सुपरस्टार थे। मेरा मतलब है कि मैं कभी भी स्टार्स और उनके व्यवहार के पैटर्न को समझ नहीं पाई, क्योंकि मैं खुद ऐसी नहीं हूँ। मेरे लिए सब बहुत मुश्किल था, मैं इसे समझ नहीं सकी। जब शो के होस्ट ने डिंपल से पूछा कि क्या यह सब दर्दनाक था, तब जवाब में डिंपल ने कहा था, हाँ ऐसा था। जब राजेश खन्ना ने डिंपल से शादी की थी, तब वह अपने करियर के शिखर पर थे। फिर वक्त के साथ उनका स्टारडम फीका पड़ने लगा था। ऐसा कहा जाता है कि राजेश खन्ना अपनी असफलताओं से ठीक से डील नहीं कर पाए और इसका असर उनकी शादी पर भी पड़ने लगा। एक दूसरे इंटरव्यू में डिंपल ने कहा था कि जब राजेश खन्ना से उन्हें प्यार हुआ, तब वह काफ़ी भोली थी। उन्हें विश्वास था कि रियल लाइफ में राजेश खन्ना उनके लिए गाने गाएंगे, जैसा वह फिल्मों में करते हैं। जब एक्टर ने रियल लाइफ में ऐसा नहीं किया, तब वे टूट गई थी। डिंपल कपाड़िया को आखिरी बार फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया और मर्डर मुबारक में देखा गया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।